हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर बच्चों जेनेटिक्स के अंदर आता है। जेनेटिक्स बच्चों वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें कि हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज़ वेरिएशन। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास्ड होते हैं। यही रीज़न है बच्चों कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के साथ बहुत सारे सिमिलैरिटी शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं उनकी हाइट अगर टॉल है तो उनका बच्चा भी टॉल ही होता है। अगर उनका हेयर कर्ली है तो बच्चे के हेयर भी कर्ली होते हैं। और अगर उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, अगर वो गोरे होते हैं पेरेंट्स, तो बच्चे भी गोरे ही होते हैं। इन सब के अलावा भी बच्चों वो सभी चीज़ें जो कि हम लोग को अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल घर ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, चाहे संस्कार ले लो, ये सभी कुछ बच्चों इनहेरिटेंस में इंक्लूडेड होता है। पर क्योंकि यहाँ पर हम लोग का फोकस रहेगा, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो यहाँ पर हम लोग का फोकस रहेगा कैरेक्टर्स और ट्रेट्स पे। मतलब वो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स जो कि हम लोग को अपने मम्मी पापा से रिसीव हो रहे हैं। तो बच्चों, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। और बच्चों, इस हेरिडिटी का बेसिस क्या है? इनहेरिटेंस। देखिए बच्चों, इनहेरिटेंस एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें सब कुछ आ जाता है जो कि हम लोग को अपने पेरेंट्स से रिसीव होता है, जबकि हेरिडिटी में केवल और केवल वो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आते हैं जो कि एक वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है बच्चों डिफरेंस। हम लोगों ने इनहेरिटेंस में पढ़ा है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स उनके ऑफस्प्रिंग में पास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने मम्मी पापा की तरह बहुत सारे कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी शो करता है। पर क्या जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल अपने मम्मी पापा की एग्जैक्ट कॉपी होता है? तो इसका आंसर है नो। ऑफस्प्रिंग में कई सारे कैरेक्टर, कुछ कुछ कैरेक्टर में वो अपने पेरेंट्स के साथ सिमिलैरिटी शो करता है, पर ढेर सारे कैरेक्टर्स उसके ऐसे होते हैं जो कि पेरेंट्स में नहीं होते हैं, वो उसके खुद के कैरेक्टर होते हैं। तो उसका रीज़न है बच्चों वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट्स। मतलब कि प्रोजेनी या बच्चे अपने माँ बाप से कितने अलग हैं, इसी को कहा जाता है वेरिएशन। चाहे आप हाइट में कह लो, कॉम्प्लेक्शन में कह लो, इंटेलिजेंस में, चाहे बिहेवियर में, वो सभी चीज़ें जिसमें कि आप अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो, वो सभी कुछ आ जाता है वेरिएशन के अंदर। वेरिएशन के दो रीजंस होते हैं, फर्स्ट इज़ म्यूटेशन एंड सेकंड इज़ रिकॉम्बिनेशन, जिसको कि हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा की तरह सिमिलैरिटी रखता है उसका रीज़न है इनहेरिटेंस, और अपने मम्मी पापा से अलग क्यों दिखाई देता है उसका रीज़न है वेरिएशन। तो बच्चों देखिए, वेरिएशन और वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग को बहुत बाद में पता चला, मेंडल के वर्क के बाद पता चला, पर इन सब का यूज़ ह्यूमन बहुत पहले से कर रहा है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो कि ह्यूमन जो है प्लांट्स और एनिमल्स में ऑलरेडी कर रहा था ताकि डिज़ायर्ड कैरेक्टर के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। अब बच्चों, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए बच्चों, मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नेम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें बच्चों फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स के पिता कहते हैं। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि ज़रूर इन्होंने जेनेटिक्स में कोई बहुत बड़ा काम किया था। तो बच्चों हाँ, मेंडल ने ये बताया था कि इनहेरिटेंस कैसे होता है, किस तरह से कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 सालों तक गार्डन पी यानी कि पाइसम सेटाइवम
गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है। इस पे 7 सालों तक हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए और ये बताया कि इनहेरिटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। इसके लिए इन्होंने कुछ लॉज और प्रिंसिपल दिए थे, उन्हीं लॉज को हम लोग कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्यों मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को सेलेक्ट किया। फर्स्ट रीज़न है बच्चों कि पी प्लांट जो है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है, मतलब 2 से 3 महीने में ही पी प्लांट की जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही कम टाइम में ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि देखो 2 से 3 महीने में ही रिजल्ट आ जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन से कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। सेकेंड रीज़न है बच्चों कि पी प्लांट में सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर, जैसे कि वाइट का ब्लैक होता है, ठीक उसी तरह इनमें भी अपोजिट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हाइट की बात करें तो पी प्लांट में टॉल हाइटेड प्लांट भी होते हैं और पी प्लांट में शॉर्ट हाइटेड प्लांट भी देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग सीड की बात करें इसकी तो वो भी 2 तरह के होते हैं, इनमें राउंडेड सीड भी होता है और रिंकल्ड सीड भी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पी प्लांट में किस तरह से अपोजिट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें ढेर सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, सो मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट रीज़न है कि इनका फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, जिसकी वजह से इनमें नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो आर्टिफिशियली परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट रीज़न है कि इनको कल्टीवेट करना भी काफ़ी ईजी होता है, ऐसा नहीं है कि पी प्लांट को बहुत केयर की ज़रूरत है, नो, इसे बस लगा दीजिए, टाइम टू टाइम पानी दीजिए, ये अपने आप ही ग्रो करेगा। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, आगे हम लोग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। इफ़ दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।